लॉकडाउन का 12वां दिन, अब मुझे भी अपनी गाड़ी में अपनी यूनिफॉर्म के साथ निकलना पड़ रहा है। ज़िंदगी धीरे धीरे यहाँ कठिन होती जा रही है। लोग थोड़ा थोड़ा निराश होने लगे हैं कि ये कब तक चलेगा। कल 31 मार्च यहाँ के इतिहास का द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे काला दिन रहा। हालांकि उसमें अच्छी खबर भी थी और ख़राब खबर भी थी। अच्छी खबर ये थी कि जो अंदाज़ा लगाया गया था कि 2 से 2,500 लोगों की मौत होगी, वो 2 से 2,500 नहीं रही, 1200 लोगों की मौत हुई। स्पेशली जिस अस्पताल में मैं काम करता हूँ, वो अस्पताल अब भूत बंगला हो गया है। सबसे कठिन ये था कि परिवार के लोगों को अपने बुज़ुर्गों को आखिरी बार देखने की इजाज़त भी नहीं मिल पाई, क्योंकि संक्रमण जो है वो डेड बॉडी से भी फैलता है। ये भी बहुत आफत है। अब खाली मास्क से काम नहीं चलता है, मास्क के आगे एक प्लास्टिक की स्क्रीन लगती है, क्योंकि खांसने थूकने से वायरस उछल के आ सकता है। जितने भी कोरोना के मरीज कहीं पाए जाते हैं तो उनको पूरा प्लास्टिक से कवर करके लाया जाता है। उनकी चारों तरफ एक छोटा सा टेंट बना लिया जाता है, उसके अंदर ऑक्सीजन जोड़ दी जाती है कि वो अंदर ही अपना सांस लें और बाहर ना फैलाएं। क्योंकि जो कोरोना का मरीज होता है, जो संक्रमित हुआ है, फेफड़े के अंदर, ये वाला नहीं, वो अपनी सांस के साथ में वायरसेस भी बाहर निकाल रहा होता है। तो उससे बचने के लिए जब मरीज घर से निकाल कर एम्बुलेंस में रख के अस्पताल लाया जाता है, तो इस प्लास्टिक के टेंट में उसको लपेटा जाता है और फिर एम्बुलेंस में रख के बाहर लाया जाता है। इसके अलावा ये भारत के लिए भी थोड़ा सा गंभीर विषय है कि संक्रमण जो है, जो वायरस जो है, उसने अपने आप को परिवर्तित कर लिया है और अब वो सिर्फ बच्चों और बूढ़ों में नहीं, नौजवानों में भी होने लगा है। ख़ास तौर पे वो लोग जो बहुत मोटे हैं, जितने भी लोग मर रहे हैं, चाहे बुज़ुर्ग हों या जो एक नौजवान है, वो सारे लोग बहुत मोटे थे। मोटे इन द सेंस कि जो दौड़ भाग करने में जिनकी सांस बहुत जल्दी फूलती थी, वो लोग, उन्हें कोई बीमारियां नहीं थी मोटापे के अलावा। इस प्रोग्राम के आखिरी में एक लिस्ट डाल दूंगा जिसमें कि लंबाई के आधार पर मोटापा क्या है, जो यहाँ पर कोरोना के इफ़ेक्ट मोटे लोग हैं वो इस श्रेणी में आते थे। तो अगर आप लोग ये लिस्ट जानना चाहें तो प्रोग्राम के आखिरी में मैंने ये लिस्ट डाल दी है। मेरा अस्पताल जहाँ पर मैं काम करता हूँ वो भी एक भूत बंगला बन चुका है। यहाँ पर परसों 216 लोगों की मौत हुई है। कभी अस्पताल रिसर्च की जगह हुआ करती थी, कभी अस्पताल हरा भरा रहता था, रिसेप्शन एकदम फुल रहते थे। आज लोग यहाँ से जा चुके हैं, अस्पताल को पूरा साफ किया जाएगा निरोधक दवाओं से। मैं यहाँ पर घूम रहा हूँ क्योंकि मैं काफ़ी कुछ इम्यून हो चुका हूँ। मैं आ रहा हूँ भी मुद्दे की बात पे जिसके लिए आप लोग यहाँ आए हैं, लेकिन पहले मैं ये जगह दिखा दूँ कि जीवन थम सा गया है। लेकिन चूंकि नए मरीजों की वृद्धि अब थोड़ी सी रुक गई है, इसलिए यहाँ के प्रधानमंत्री ने एक्सपेरिमेंट के तौर पर एक नई चीज़ शुरू की है लोगों को राहत देने के लिए, कि जो टोटल लॉकडाउन 1 जून के लिए था, उसको टोटल लॉकडाउन ना कर उसको 6 अप्रैल से इंटेलिजेंट लॉकडाउन का नाम दिया है और ये 28 अप्रैल तक चलेगा। खैर, आते हैं मुद्दे की बात पे। हम कल घर आ गए हैं और मैं बिल्कुल ठीक हूँ फ़िलहाल। 5 दिन मुझे किसी से बात करने की इजाज़त नहीं थी, कोई इन्फॉर्मेशन बाहर देने की इजाज़त नहीं थी। सारे टेस्ट वगैरह कंप्लीट हो गए हैं और एक यहाँ पर पैड लगा दिया गया है जो कि मेरे टेलीफोन और मेरी संस्था के जो सिस्टम है उसमें सारी डिटेल देता रहता है कि मेरे अंदर चल रहा संक्रमण किस लेवल पर है। मैं आपको दिखाता हूँ वो कहाँ पर है वो पैड। ये जो आप पैड देख रहे हैं, इसके अंदर मेरे खाल के नीचे एक इंजेक्शन से कोरोना का वायरस इंजेक्ट किया गया है, जो खाल के ठीक नीचे रहता है, दिखाई पड़ता है। एक काला सा पॉइंट बन गया है जहां पर ये कोरोना का वायरस भरा हुआ है और ये हमारे सेल में अब धीरे धीरे जा रहा है। और साइंटिस्ट मुझे रोज़ टेस्ट करते हैं कि मेरे कौन से ऑर्गन और कहाँ पर क्या परिवर्तन आ रहा है। मैंने 5 दिन पहले स्वेच्छा से ये कोरोना इन्फेक्टेड इंजेक्शन लिया था। मेरे जैसे 9 और लोग, कुल 10 लोग, सभी स्वास्थ्य विभागों से आते हैं, उन्होंने भी इस परीक्षण में हिस्सा लिया। मैंने जानबूझ के अपना नाम इसलिए भी दिया था कि इस परीक्षण में, जो कि 9 देशों में हो रहा है यूरोप के, कोई भी भारतीय शामिल नहीं था। एक भारतीय डॉक्टर हैं लेकिन वो रिसर्च में हैं, उन्होंने अपने शरीर पर परीक्षण नहीं लिया है। तो मुझे लगा कि ये एक अच्छा मौका है और इसी बहाने शायद जो भारतीय DNA है तो उसका भी जांच हो जाए, उसमें कैसे चेंजेस होनी है वो हो जाए, तो अगर भारत में कभी कोई दवा जाएगी तो शायद उसको मदद मिल सके। मैंने अपने परिवार को इस परीक्षण के बारे में नहीं बताया था, उन्हें भी उस वीडियो से ही पता चला जो आपको मैंने दिखाया था। उसका कारण ये था कि नाम सुनते ही एक पैनिक जैसा माहौल हो जाता है परिवार में और लोग मुझसे ऐसे ऐसे सवाल पूछते जिसका जवाब मुझे भी नहीं पता था। इसलिए मुझे लगा कि पहले कर देते हैं, उसके बाद परिवार को बताएंगे कि सब ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें इतने कंट्रोल वे में थी कि कोई ख़तरे की बात थी नहीं।
मैंने 7 बजे अपने आप को हॉस्पिटल में एडमिट कराया। 7:30 बजे मैं ICU में ले जाया गया, जहाँ पर मुझे इंजेक्शन दिया गया। उसके बाद मुझे तो कुछ पता चला नहीं, तुरंत कोई रिएक्शन नहीं हुआ, लेकिन ICU में सारे उपकरणों के साथ में उन्होंने मुझे वहाँ पर 1.5 घंटा रखा। इस वायरस के इफेक्ट का साधारण समय होता है 22 घंटे से 5 दिन, लेकिन ये परीक्षण एक प्रयोगशाला में था और सारे उपकरणों के साथ में था, तो वैज्ञानिकों ने इस वायरस को जो मेरे अंदर डाला, ये कोरोना ही था लेकिन थोड़ा सा हल्का कोरोना, जिससे कि मेरा शरीर लड़ सके और बाकी सपोर्ट इधर का। उन्हें यही देखना था कि जब छोटा कोरोना का वायरस शरीर के अंदर जाता है तो कौन सी चीज़ें लड़ती हैं, फिर उसी का वो टीका बनेगा। तो ये ज़्यादातर 22 घंटे से 3 दिन के अंदर अपना इफेक्ट दिखाता है, लेकिन चूंकि मैं कंट्रोल वातावरण में था तो उम्मीद थी कि 5 घंटे में अपना असर दिखाएगा, जिसने 3 घंटे के अंदर अपना असर दिखाना शुरू किया। असर पहला ये था कि मेरी सूंघने और स्वाद की शक्ति लगभग समाप्त हो गई थी। आप मुझे कुछ भी खिला दें, कुछ भी सुखा दें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ये एक बेसिक चेंजेस मुझ में आया था, किसी और में और भी आए थे, लेकिन ये एक बड़ा विजुअल चेंज था कि मेरी सूंघने और स्वाद की क्षमता समाप्त हो गई थी, जो 3 दिन समाप्त रही। 4th दिन फिर धीरे धीरे वापस आई, अब बिल्कुल सब सही है। इसके अलावा मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन मुझे ये सूचना दी गई है कि मेरे 5 से 12 दिन के अंदर लगभग 2 से 2.5 किलो वज़न मेरा कम होगा। 2 दिन के बाद मेरा फाइनल टेस्ट होगा, जिससे ये पता चलेगा कि मेरा शरीर किस तरह से उस वायरस से लड़ रहा है जो मेरे शरीर के अंदर है। वायरस मेरे फेफड़ों में नहीं गया है क्योंकि वो यहाँ पर है, इसलिए मुझे जुकाम की कोई समस्या नहीं है। मेरा शरीर इस्तेमाल किया गया सिर्फ इस टेस्ट करने के लिए कि जब वायरस फेफड़ों से निकलकर बाकी शरीर में पहुंचता है तो क्या इफ़ेक्ट डालता है। तो ये था फ़िलहाल रफ टेस्ट। बहुत सारी और डिटेल्स थी जिन्हें मैं शेयर नहीं कर सकता हूं क्योंकि ये फ़िलहाल अभी गुप्त हैं, जो समय समय पर मैं आपको बताऊंगा जैसे जैसे मैं अनुबंध से बाहर होता चला जाऊंगा। एक बहुत ज़रूरी चीज़, इस समय बहुत एक अफवाह चल रही है भारत में कि जैसे जैसे गर्मी आएगी ये कोरोना मर जाएगा। यार, आप लोग किसी अफवाह में ना रहें, कोरोना जीवित है ही नहीं तो मरेगा क्या। कोरोना एक वायरस है जो आपके शरीर के गणित को ख़राब कर देता है। वायरस आपके शरीर का गणित बिगाड़ देता है और कुछ ऐसी चीज़ें पैदा करना शुरू कर देता है जिसकी उतनी ज़रूरत नहीं है, या ज़रूरत है लेकिन उतनी ज़्यादा मात्रा की ज़रूरत नहीं है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। वायरस कितना छोटा होता है ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको। तो वायरस एक निर्जीव चीज़ है, वो आपके शरीर, वो हर जगह पर है। अगर जिंदा और मरे की बात करें तो जब तक आप जिंदा हैं, कोई भी जीव जिंदा है, वायरस भी जिंदा है। भाई, इसमें कुछ लोग समझा रहे हैं डॉक्टरों का नाम ले लेके कि 0 से 28 के बीच में जिंदा रहता है, फलाना ढिमाका है, वो सब फर्जी है। कोई डॉक्टर ये बात नहीं कह सकता है। आपके शरीर का तापमान ही 37 के ऊपर होता है, तो अगर वो इसमें मरना होता तो मर नहीं गया होता शरीर के अंदर ही, तो फिर कहाँ से परेशानी हो रही होती। तो इन सब अफवाहों में ना पड़ें, कोई डॉक्टर ये नहीं कहता है, सब सुनी सुनाई बातों पे आते हैं। पढ़ना सीखें और अपनी सुरक्षा खुद करें। यहाँ पर आफत बढ़ती जा रही है, अपने यहाँ आफत है कि नहीं है मुझे नहीं पता, क्योंकि अपने यहाँ जाँच ही नहीं है। तो अगर जाँच नहीं होगी तो आप 2 चीज़ें कह सकते हैं कि हमारे यहाँ ये है ही नहीं, या हम खोज नहीं पा रहे हैं। बाकी समय बताएगा कैसा क्या है। कोरोना एक वायरस है, उसका किसी जाति विशेष से कोई संबंध नहीं है, तो किसी जाति विशेष पे ना जाएं, अफवाहों में ना जाएं। इस समय सिर्फ वो करें जो आपकी सरकारें कह रही हैं, जिनको आपने चुना है, अच्छा कह रही हैं, बुरा कह रही हैं, लेकिन बात माने उनकी, क्योंकि वो जो कह रही हैं उनको उनके प्रोफेशनल लोगों ने ये कहने को कहा है। इसलिए जो भी वो आपसे करने को कह रहे हैं उनकी बात माने, उसमें ही भलाई है इस समय, इसके अलावा और कुछ नहीं है। एक अफवाह और भी उड़ रही है कि चीन ने ये वायरस बनाया है, उस पर मैं अगले एपिसोड में आऊँगा, क्योंकि जिस हिसाब से टारगेटेड शहरों में, कुछ टारगेटेड देशों में कोरोना का प्रकोप सबसे ज़्यादा है, उससे इस बात में थोड़ी सी दम तो कहीं लगती ही है। जैसे चीन, वुहान में इतने लोग मरे, चीन कह रहा है कि 3,000 लोग मरे हैं, अब पता चल रहा है कि लगभग 1.5 लाख के आसपास लोग मरे हैं, लेकिन चीन की राजधानी बीजिंग में एक भी नहीं मरा। इसके अलावा इटली, स्पेन और अमेरिका, ये 3 देश सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड हो रहे हैं। इनमें एक चीन का लिंक भी है। अमेरिका, इटली और स्पेन बिना चाइनीज़ हेल्प के इस युद्ध से नहीं लड़ सकते। इसे मैं युद्ध नाम दे रहा हूँ क्योंकि ये यहाँ के प्रधानमंत्री ने भी यही नाम दिया है, ये युद्ध है। इसमें वही जिएगा, वही बचेगा जो मजबूत होगा। खुद को मजबूत बनाएं, परिवार को मजबूत बनाएं, डिस्टेंस 1.5 मीटर रखें, ठीक से खाएं पिएं, ज़्यादा ना खाएं, कम ना खाएं, दिन में 3 या 4 बार खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं, हल्का खाएं।
नींबू संतरा ये सब बहुत खाएं, ये आपको फ़ायदा करेगा। इसके अलावा प्रोटीन, अगर आप अंडा खाते हैं तो रोज़ एक उबला अंडा ज़रूर खाएं, और अंडा नहीं खाते हैं तो एक कटोरी दाल रोज़ अलग से पी लें। हो सके तो कच्ची दाल माने कि भिगाया हुआ चना, भिगाई हुई कोई भी दालें नींबू डाल के उसको खा जाएं, वो आपके प्रोटीन का बहुत बढ़िया सोर्स है। इतना करें आज का, यहीं तक। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे ARJO और HP का गिव अवे, न्यू हॉलैंड का गिव अवे अभी खुला हुआ है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कंपनियां सिर्फ वही काम कर रही हैं जो बहुत ज़रूरी है, ज़्यादातर कंपनियां बंद हैं।